Al Mantashar Realty and GE Constructions presents The Universe, Nothing But The Best. A magnificent 14-story tower and 7-story apartment. Luxuriously designed 1BHK and 2BHK flats. Clubhouse that keeps you healthy at all times. So what are you waiting for? Come discover and book your dream home. कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कोरोना काल, लॉकडाउन, शुरुआत के 2 साल और अब जाकर के कोरोना के निर्बंध हटने के बाद 3रा साल, लगातार इन 3 सालों रमजान महीने में रोजेदारों के लिए सहरी का इंतजाम, रमजान की राशन किट का इंतजाम और जो भी उसके अलावा मदद चाहिए किसी भी जरूरतमंद को, किसी भी हाजतमंद को, तो हमेशा खड़ा है पीस चैरिटेबल ट्रस्ट। लगातार पिछले 2 वर्षों से हमने पीस चैरिटेबल ट्रस्ट का काम आप तक पहुंचाया कि किस तरीके से पूरे लॉकडाउन में, पूरे कोरोना काल में और उसके अलावा रमजान महीने में जो जरूरतमंद है उनके लिए पीस चैरिटेबल ट्रस्ट ने किस तरीके का काम किया है। ये तमाम पीस चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम यहाँ पर मौजूद है और हमारे साथ यहाँ के वरिष्ठ समाज सेवी इब्राहिम राउत साहब हैं और कोकण मुस्लिम समाज के दाऊद चोगले साहब हैं, खालिद चोगले साहब हैं और सबसे बड़ा इस पीस चैरिटेबल ट्रस्ट की रीढ़ की हड्डी जिसको कहा जा सकता है आशिक गर्दी और मुदस्सिर साथ में और उजेबा भाई हैं, मुफ्ती साहब हैं यहाँ पर, ये तमाम टीम है और भी आप देख सकते हैं इतने तमाम लोग हैं। तो 3 साल से ये सिलसिला चल रहा है और लगभग अब आप यहाँ देख सकते हैं ये रमजान का जो है सामान अभी यहाँ पर जो है लोगों में बांटा जाने वाला है। इस पर हम सबसे पहले बात करेंगे इब्राहिम भाई से। इब्राहिम भाई, 3 साल से आपके सहयोग से पीस चैरिटेबल ट्रस्ट ये काम कर रहा है, खिदमत को अंजाम दे रहा है, ये 3रा साल है और 3रा रमजान है, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं सबसे पहले आलम इस्लाम को रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और पीस चैरिटेबल ट्रस्ट को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि जो है ये 3रा साल है इनका। पहले साल तो ये नशीमन कॉलोनी से इसको ऑपरेट कर रहे थे, उसके बाद में लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में जगह की भी तंगी हुई और बहुत सारे उस पर हालात थे, आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोगों ने, सारे मीडिया भाइयों ने इसको कवर किया था। लॉकडाउन के हालत में भी इन्होंने बहुत सारा काम किया। पिछले साल माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इधर से ही हम सब लोगों ने, खास करके आशिक गर्दी साहब है, खालिद चोगले साहब है, मुदस्सिर भाई है, हाफिज मुस्तकीम है, दाऊद चोगले भाई है और इनकी बहुत सारी टीम है जिन्होंने रमजान में यहाँ पर रफीक भाई बहुत खुल के काम किया। माशाल्लाह हम लोगों ने उस वक्त पुलिस से जाके एक इल्तिजा की कि हमको जो लॉकडाउन के मौके पर भी यहाँ पर जो है ऐसे ऐसे शुरुआत करना चाहते हैं। उस वक्त पुलिस ने भी बहुत सहयोग किया था, उस वक्त में यहाँ पे रात में सहरी भी दी थी, उसके बाद में ईद के टाइम पे शुरकुमा वगैरह का इंतजाम किया था और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हर साल इजाफा होते जा रहा है। पिछले साल कुछ कम थे, इस साल 500 का टारगेट रखा हुआ है हमारे ट्रस्ट ने, आखिरी आश्रय में शायद 700 लोगों को भी देने का इनका प्रोग्राम है। तो ऐसा काम होना चाहिए और आप लोग इसको लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मीडिया भाइयों का, रफीक भाई, यूसुफ भाई, इब्राहिम भाई, सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप बुलाने पर आते हैं और इस बात को लोगों तक पहुँचाते हैं। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि तमाम मुसलमानों का रमजान जो है अच्छे से गुजरे और अल्लाह पाक ये जो काम हो रहा है अल्लाह इसको कबूल करे। इब्राहिम भाई, अच्छा काम कर रही है पीस चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम, आप लोग सहयोग दे रहे हैं तो ये अच्छा काम लोगों तक पहुंचाना हमारा भी फर्ज बनता है। तो आशिक भाई, इस बार 500 लोगों का शहरी का टारगेट है और किड्स का क्या टारगेट है, क्या बताओगे? जो राशन किड्स हमेशा 2 साल से पीस चैरिटेबल ट्रस्ट दे रही है, इसमें बाकी और बड़े बड़े आपको ऑर्गेनाइजेशन NGO जो है मदद भी करते हैं, क्या जानकारी देंगे उस पर? राशन किट का भी इंशाल्लाह हमारा इरादा है लेकिन 15 तारीख के बाद में, 15 रोजों के बाद में, लेकिन इंशाल्लाह इस वक्त पिछले टाइम जो हुआ उससे ज़्यादा करने का इरादा है। अल्लाह ने चाहा तो 1,500 से 2,000 तक राशन किट का इंतज़ाम हम लोग हमारे ट्रस्ट में करेंगे इंशाल्लाह ये रमजान में। मुदस्सिर भाई, क्या लोगों से ताऊन चाहेंगे कि आज जो हालात हैं, बेरोजगारी, लॉकडाउन की वजह से जो कंगाली है लोगों के पास, आज बड़ी मुश्किलातों भरा ये दौर जो है लोग गुजार रहे हैं,
तो ऐसे में पीस चैरिटेबल ट्रस्ट का आपका 3 साल से काम चल रहा है। अब पिछले साल 300-350 लोगों का कुछ टारगेट था शहरी का, अब की बार 500 पर गया है, आखिरी अशरे तक वो 700 तक जाएगा, अल्लाह करिए 7000 तक जाए, हर जरूरतमंद तक जो है वो पहुंचे। तो इसके लिए पूरे शहर से, शहर के दानिशमंद लोगों से, साहिबे हैसियत लोगों से क्या ताउन चाहेंगे, क्या उनसे अपील करेंगे आप? अस्सलामु अलैकुम। देखिए, पीस चैरिटेबल ट्रस्ट जो हमारा है वो पिछले 3 सालों से काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने ये साल में ज़्यादा कुछ नहीं लेकिन वो जो काम हम करते हैं उनमें कई सारे इजाफे किए हैं, और हमने ये बार नंबर्स को डबल करने की कोशिश की है। और पिछले साल जैसा हम 500-700 तक का गए थे, ये साल हमारी उम्मीद है, सब तो बोल रहे हैं 700, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम इतनी कोशिश करेंगे कि 1000-1500 भी पार हो जाए। और मैं सब लोगों से यही अपील करूंगा कि आप जब भी किसी की मदद करते हो या किसी का ध्यान रखना चाहते हो तो ऐसे लोगों की मदद करो जो वाकई में मुस्तहिक हो, पहले उसकी जांच पड़ताल करो आप। और मेरा मानना यह है कि किसी सही एनजीओ से अगर आप नहीं कर सकते और अगर पर्सनल बेस पे भी अगर आप करना चाहते हो तो ऐसा काम करो जो लोगों को दिखावे में नहीं बल्कि असल ज़रूरतमंदों के दिलों तक पहुँचे, मेरा ये मैसेज रहेगा। और इंशाल्लाह मैं बस एक अपील करना चाहूँगा सभी लोगों से कि जैसा हमारे साथ आपका ताउन रहा है 2 सालों से, चाहे वो माली हो, चाहे वो हमारे जज्बात के साथ हो, या जैसा भी हो, मैं गुजारिश करूँगा आप लोगों से कि उसमें और भी आप लोग इजाफा करें। आपकी जैसी भी साहिब हैसियत हो आप हमारा साथ दें, चाहे वो आपके पैसे से हो, चाहे आपके सपोर्ट से हो, साथ से हो, जैसे भी आप कर रहे हो। जज़ाकअल्लाह। खालिद भाई, सिलसिला जारी रहना चाहिए और सिलसिला जारी रखने के लिए बहुत कुछ ज़रूरतें होती है, क्या कहेंगे? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, सिलसिला जारी रहना चाहिए और सिलसिले को वक्त के साथ में हमको किस तरह लोगों से जोड़ना चाहिए। मैं सबसे पहले रफीक भाई आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। ये साल 27th रमज़ान को हमारी कोकनी मुस्लिम एसोसिएशन बिलग्राम लंदन मस्जिद फला से वो चलती है, और 7 मस्जिदों के से उनका चैरिटी का काम चलता है। उनका काम जो चलता है फलस्तीन से लेकर कोकन तक चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह उस नाइट की 750 लोगों की शहरी का इंतज़ाम का स्पॉन्सरशिप वो लोग डिक्लेयर किए हैं। 27 रमज़ान को जो रहेगा वो फुल नाइट वो स्पॉन्सर। दूसरा एक टोरंटो का हमारा ग्रुप है कैनेडा, वहाँ पे ग्रुप है मेरे दोस्त लोग, उन्होंने ऑफर किया कि एक नाइट का हम लोग करेंगे। क्या बात है, माशाल्लाह। उसके बाद हमारे खेड़ तालुक के प्रकार साहब है, उनका नाम नहीं बताना चाहूँगा, वो दुबई में, उन्होंने बोले मेरे तरफ से एक नाइट का मेरा अरेंजमेंट रहेगा। तो जब ये मैसेज आप वायरल करते हैं तो लोग अच्छे काम के लिए ढूंढते हैं कि अच्छा काम ग्राउंड जीरो पे फोन कर रहा है और उनको सपोर्ट करते हैं कि भाई आप करो, हमारे पास करने के लिए नहीं है, हम लोग आपको सपोर्ट। मुस्तहिक तक उसका हक पहुंचाने वाला कौन है? वही एक्सपीरियंस हमको लास्ट ईयर ही मिला। बॉम्बे में बहुत पुरानी एक फाउंडेशन है, कैंसर एड फाउंडेशन, उन्होंने एक नाइट का स्पॉन्सर हमको किए थे लास्ट ईयर, समझे। तो जब अच्छा काम आप करते हैं तो लोग आपसे जुड़ते हैं और लोग बोलते हैं कि आप करो ग्राउंड जीरो के ऊपर। तो अभी तक तो यहाँ तक का रिस्पांस है, दुआ करो इंशाल्लाह आगे बहुत सारे लोग ऐसे आगे आएंगे और ये काम जो है ये डबल से ट्रिपल हो जाएगा, एक्सपेक्टेड हो जाएगा। बशर्त ये है कि देखो हमारी एक चीज चैरिटेबल की पॉलिसी स्ट्रिक्टली कि किसी भी बेनिफिशियरी का हम लोग फोटो शेयर नहीं करते। उसका रीज़न ये है कि कोई भी शौक से मांगता है अपनी मजबूरी से लोग आते हैं, बेशक बेशक, तो हमको उनसे खिलवाड़ भी नहीं करना और हम किसी भी स्ट्रिक्टली मना करते कि दिलदारी नहीं चाहिए, ये उनका पिक्चर नहीं है। हम अपना प्रोडक्ट, हमारे खाने पीने का जो अरेंजमेंट है उसका, हमारे पिक्चर हम शेयर करते, उनके पिक्चर शेयर नहीं करते। तो दुआ करो कि अल्लाह और हिम्मत देवे और सिलसिला और बढ़े। जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आने वाले रमज़ान के जो यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, जो वो यहाँ पर जो हजिया ध्यान लेने के हैं उनके लिए उनकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। पूरे आलम इस्लाम के की खिदमत में जो रमज़ान मुबारकबाद पेशता हूँ। और बाद में मैं कहना चाहूँ कि पीस चैरिटेबल ट्रस्ट जो 3 साल पहले शुरू हुई थी, इस 3 साल में जो उन्होंने तरक्की की उसकी मेन वजह ये होता है कि उसके अंदर इखलास है और वो लोगों की दिल से खिदमत करना चाहते, इसलिए अल्लाह ने उनको तरक्की दी और लोग उनके साथ जुड़ते गए। असल क्या होता है कि जो अंदर इंसान, इसके अंदर इखलास नहीं किया अनाज आती ना
ना आदमी खुद तरक्की करता है ना कभी दूसरों को तरक्की करने से, लेकिन इनके अंदर चूँकि एक लाख है और एक लाख से लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए ये चैरिटेबल ट्रस्ट जो भी तरक्की करी है और इस साल जो इन लोगों ने जो हमेशा 500 से 700 लोगों को शहरी का देने का जो इंतजाम किया है वो मुबारकबाद के काबिल है। जिधर इस चैरिटेबल ट्रस्ट ने हमने देखा है कि उसको आपा के हालात जब भी आते थे, जैसे सैलाब का हुआ, दूसरे जो आए, उन हालात में भी जैसे लॉकडाउन हो, उन हालात में भी ना हज़ारों लोगों की उन्होंने मदद की, नहीं की, ऐसा नहीं है। तो मैं आवाम से भी अपील करता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कर नहीं सकते लेकिन उनका माल बहुत होता है, तो उन लोगों को चाहिए कि वे ऐसी ट्रस्ट जैसे पी चैरिटेबल और भी उनकी मदद करें, क्योंकि खुद नहीं करते, उनके जरिए जो अपनी मदद करें और अपना सवाब हासिल करने की कोशिश करें। मैं इनके लिए दुआ करूंगा कि दिन दुगनी रात चौगनी ये लोग तरक्की कर रहे और इनका काफिला जो भी जो है ये महदूद है, वो लामहदूद हो जाएगा। इसी के साथ मैं जो है इस बात को ख़त्म करता हूँ।